भारत भूटान सीमांत जयगांव में अलीपुरद्वार जिले के जिलाध्यक्ष पुलिस एएसपी अमिताभ माइती, स्वास्थ्य विभाग के सीएचएमओ पूरन शर्मा के संयुक्त टोली में भ्रमण किया। इस टोली में कालचनी बीडीओ भूषण शेरपा, जेडीए अधिकारी पीटी भूटिया, एडिशनल एसपी कुंतल बैनर्जी, जयगांव थाना प्रभारी दीपंकर शाह लगाए जयगांव के अनेक संघ संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके बाद जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी सभागृह में एक सभा हुई, जिसमें कोरोना वायरस के ऊपर चर्चा हुआ। इसके दौरान जयगांव के 15 संघ संगठन के द्वारा डीएम को एक आवेदन सौंपा गया। डीएम ने कोरोना वायरस पर आतंकित न होने की सुझाव दिया और कहा प्रशासन इस विषय में सतर्क है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल राज्य में एक भी कोरोना मरीज नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया आज जयगांव के अंतर्राष्ट्रीय सीमाना की जांच किया, वहां सब कुछ ठीक ठाक पाया गया और उतना चिंता करने की तौबात नहीं दिखाई दिया। सभा में जानकारी यह मिला कि भारत भूटान सीमांत खुट्टी नंबर 70 के भूटान गेट 18 मार्च से 14 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा, जिसमें फुल स्लिंग मेन गेट में थर्मल स्क्रीनिंग सही जाँच हो सकेगा। होइन, यो मिटिङ गरेको कारण चाहिँ डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट एसपी र एससिएम भएपछि यो सिएमको जुन भिडियो कन्फरेन्स थियो उहाँहरूले तपाईँहरूले जोइन्टली भिजिट गरिकन कसरी अझै यो सर्भाइलेन्सलाई हामी स्ट्रेन्थन गर्न सक्छौँ, सुदृढ गर्न सक्छौँ, त्यो बारेमा हेर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। हामी आएर आज हेरिकन मोरलले सबै कुरो ठिकै छ, एप्रोक्स 27,000 मुभमेन्ट हुँदैछ, एवेरनेस हुँदैछ, अझै पुलिसले हामीलाई त्यो भिड कन्ट्रोल गर्नुको लागि हेल्प गर्छ भन्ने कुरो भएको छ।